हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज और आज की कहानी कुछ इस तरह है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज और आज की कहानी कुछ इस तरह है। है ना डिफरेंस आवाज़ में? ये डिफरेंस कैसे आया? सारे पैसे इसी बात के हैं, ये ब्लॉग इसी बात का है। तो शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। नॉट कमिंग स्लो। फनकार फराज और आज की कहानी कुछ इस तरह है कि आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ गुड़गांव से दिल्ली। एक मेरी बहुत ही पेट शॉप है, जहाँ कैमरा शॉप है, जहाँ मैं कैमरे के सारे इक्विपमेंट्स लेता हूँ। अभी आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आवाज़ जो मेरे ब्लॉग्स में होती है, मेरे ब्लॉग्स आप लोग इतने पसंद करते हैं और इतना ज़्यादा शेयर करते हैं और सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने ब्लॉग्स को और बेहतर बनाऊँ। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरी आवाज़ बहुत क्लियर है। अभी आप देख रहे होंगे जब मैं इस तरफ जा रहा था तो क्योंकि हवा चल रही थी तो आवाज़ बहुत ज़्यादा हवा की आ रही होगी। तो कई बार कैमरा दूर भी रखना पड़ता है, कई कैमरा एंगल्स नहीं चेंज कर सकते, तो बहुत ही लिमिटेशन है अगर आपके पास अच्छा माइक नहीं है व्लॉगिंग के लिए। तो आज मैं देखने जा रहा हूँ व्लॉगिंग के लिए भी माइक और फिल्म मेकिंग के लिहाज से भी एक माइक। मुझे बहुत दिन से सोच रहा हूँ मैं लेने का, वो भी देखने जा रहा हूँ। तो आई होप आपको, अगर आज मुझे सारी चीज़ें सही अपनी पसंद की मिल गई तो आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में आवाज़ बहुत साफ और क्लियर दिखेगी और आप मेरे ब्लॉग्स का और आसानी से और मज़ेदार तरीके से मज़ा ले पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, अब कार की तरफ जा रहा हूँ मैं अपनी पार्किंग में। और पहले कार से मैं जाऊँगा MG रोड मेट्रो स्टेशन और कार वहाँ खड़ी कर दूँगा। उसके बाद फिर मेट्रो से जाएंगे दिल्ली और मैं दिखाऊँगा आपको कहाँ से मैं कैमरे का सामान लेता हूँ। आपको भी कहीं अगर लेना है, अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो अभी क्योंकि मैं गुड़गांव के सेक्टर 102 में रहता हूँ तो यहाँ से दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन हाँ कार से जाना दिल्ली क्योंकि इतना कंजेस्टेड एरिया में है, बिल्कुल ओल्ड दिल्ली में है जहाँ मैं जा रहा हूँ, तो वो मेट्रो से जाना ही ठीक रहता है। तो अभी मैं गुड़गांव शीतला माता मंदिर वाले मतलब सेक्टर 15-17 के आसपास पहुँच चुका हूँ और मैं अभी यहाँ से टर्न लूँगा और MG रोड की तरफ, फिर MG रोड मेट्रो स्टेशन से मैं मेट्रो पकड़ूँगा और वहाँ से अराउंड 40-45 मिनट्स में मैं पहुँच जाऊँगा अपने डेस्टिनेशन स्टेशन जो होगा मेरा, जो कि मेरे हिसाब से मैं चांदनी चौक वाले स्टेशन पे उतरूँगा और वहाँ से बहुत करीब होगा वो, तो मैं दिखाता हूँ आपको अभी। तो रोड्स देख के आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग बढ़ गए हैं ओल्ड गुड़गांव की तरफ से न्यू गुड़गांव की तरफ और आगे आपको बेहतरीन रोड्स भी मिलेंगी और बेहतरीन गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी और बेहतरीन लोग भी देखने को मिलेंगे। ओल्ड गुड़गांव में वैसे अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। नॉट कमिंग स्लो। ये बड़ा कंफ्यूजिंग टर्न है यहाँ पे, जहाँ पे मैं इस पुल के ऊपर चढ़ रहा हूँ। अभी नया पुल बना है MG रोड वाला। मतलब आपको एक गुड़गांव में और दिल्ली में ख़ास बात यह है कि अगर आपने एक टर्न मिस कर दिया गलती से तो आप समझ लीजिए किलोमीटरों दूर चले जाते हैं। तो आपको जो टर्न है वो बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है। और ये मैं अब गोल वाली जो है ये भी कई बार गुमराह कर देती है। तो MG रोड सामने लिखा हुआ है, ये ऊपर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, तो MG रोड लिखा हुआ है। Continue straight onto Merrily Gurgaon Service Road. तो अब सर्विस रोड की तरफ कह रही हैं GPS वाली मैडम। सर्विस रोड कई बार सही बता देती हैं, कई बार ये एकदम ऐसा इनका दिमाग हैंग हो जाता है चौराहे पे। 400 meters continue straight onto National Highway 148A. तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं MG रोड, मतलब MG रोड मेट्रो स्टेशन इधर है, ये मेट्रो स्टेशन है और इसके बिल्कुल सामने मतलब बगल में ये है MGF मेट्रोपॉलिटन मॉल और यहाँ पे मैं हमेशा गाड़ी खड़ी करता हूँ। तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है, मतलब मॉल के अंदर मैं सेफली गाड़ी अपनी पार्क करता हूँ, उसके बाद फिर टहलता हुआ कूदता फंदता इधर चला जाता हूँ मेट्रो स्टेशन पे। MG रोड मेट्रो स्टेशन आपको दिख रहा होगा। ऐसा नहीं है कि गुड़गांव में सिर्फ मैं ही स्मार्ट हूँ, मैंने प्लान करा हुआ कि गाड़ी मैं यहाँ खड़ी करूँगा उसके बाद मेट्रो से जाऊँगा। मुझे लगता है मेरे ऐसे बहुत स्मार्ट लोग हैं यहाँ पे और इसीलिए आगे गाड़ी बढ़ नहीं रही बिल्कुल। पार्किंग ऑलमोस्ट फुल है, आई होप पार्किंग मिल जाए यहाँ पे, वरना फिर प्लान बी देखना पड़ेगा। प्लान बी क्या है वो भी सोचा नहीं है। मैंने आपको बोला था ना कि जैसे ही नया गुड़गांव आ जाएगा वैसे ही गाड़ियाँ बेहतरीन दिखना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए है, आया मज़ा।
तो अभी मैं पहुंच गया हूं दिल्ली की सबसे क्राउडेड और कंजेस्टेड जगहों में से एक, चावड़ी बाज़ार। और यहां से मैं जा रहा हूं ई रिक्शे से अपनी लोकेशन की तरफ, यानी कि बिल्कुल जो हमारी शॉप है वो लाल किला के पास है। इस तरह की दुकानें देख के मुझे अपने लखनऊ के अकबरी गेट की याद आ गई। वाह यार, ऐसी दुकानें होती हैं छोटी छोटी वहाँ पे, पुरानी टाइप की, बड़ा मज़ा आता है अकबरी गेट में। कभी आइए आप लखनऊ, अकबरी गेट घुमाते हैं आप। असल में मुझसे हो गई ये गलती, मुझे उतरना था चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन में, क्योंकि वो जो शॉप है चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से करीब पड़ती है, लेकिन मेरा एक कॉल आ गया, मैं कॉल पर लग गया, प्रोफेशनल कॉल था बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उस पर लग गया और उसके बाद फिर मैं वो स्टेशन मैंने मिस कर दिया और चावड़ी बाज़ार आ गया। अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ से वहाँ पहुँचने में, ये ठीक है, फन न्यू एक्सपीरियंस, कभी कभी तो आते हैं दिल्ली, ज़्यादातर गुड़गांव में ही रहते हैं। ये देखिए सामने जो आपको गुंबद दिख रहा है, ये द फेमस जामा मस्जिद, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसका गुंबद है। करीम्स जो है वो यहीं पे है और बहुत सारी मार्केट बड़ी बड़ी है। मेरे ख्याल से मुझे ये वाली मार्केट लग रही है, किताबों वाली मार्केट जो है, क्योंकि सारा किताबों का सामान यहाँ पर मिल रहा है और फेमस मार्केट है, बहुत सारी बुक्स मिलती हैं यहाँ पर। तो अभी मैं आ गया हूँ कैमरा वाली मार्केट और यहाँ पर इसके आगे रिक्शा अलाउड नहीं था, चल तो रहे रिक्शे उल्लू बना दी क्या उसने मुझे। तो ये आप पूरा देख रहे हैं कैनन और ये सारी पूरी कैमरा वाली मार्केट है। तो ये सामने आपको ये लैंडमार्क दिखा दूँ, सामने एकदम दिख रहा है हम लोग को लाल किला, और लाल किला से एकदम सामने ये मार्केट है। तो आपको कैमरे का कोई भी सामान लेना हो ये मार्केट आप आ सकते हैं। और अभी मैं उस दुकान पर जा रहा हूँ जहाँ पर मैं, मुझे ट्रस्ट है इस दुकान पर, मैं जहाँ से हमेशा सामान लेता हूँ, तो वहाँ मोहित भैया हैं, जानता हूँ उनको, तो उनके पास चल रहे हैं अभी। बड़ा खूबसूरत व्यू है यहाँ का, बड़ा मज़ेदार लगता है कभी कभी इस तरह के एरिया में आना, जो बहुत लाइवली और लार्जर देन लाइफ लगते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे और बहुत फ्ली मार्केट देखी सब कुछ लगी हुई है। आप आइए, बहुत मज़ा आएगा आपको। मम्मी जो मेरी हैं उनको जब ये ब्लॉग ये देख रही होंगी तो बड़ा मन कर रहा होगा यहाँ पर आने का, ले के आऊँगा मम्मी आपको, परेशान ना हो आप। जब कुछ ऐसे ख़ास चीज़ ख़रीदनी नहीं होगी, खाली शंटिंग करनी होगी, तब लेके आऊँगा मैं आपको। ये क्योंकि ये शादी का सीज़न चल रहा है तो जो लड़कियाँ दुल्हन बनने वाली हैं उनको बहुत बहुत मुबारक, और यहाँ पे आप लहंगा लेने आ सकती हैं, बहुत सारे लहंगे भी मिल रहे हैं यहाँ पे, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये देखिए कौन कौन से बाज़ार हैं। तो मैंने देखा है लड़कियों को शॉपिंग करते हुए, जो मेरी बहनें हैं, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, वो सब पगला आ जाती हैं शॉपिंग करते वक्त। तो ये पगलाने के लिए बहुत बढ़िया जगह है कि आप आगे आएँ और पगला जाएँ। ये देखिए फाइनली मिल गई वो दुकान, ए सेठी सन्स, यही वो दुकान है जहाँ से मैं अपने कैमरे का सामान लेता हूँ। चलिए आते हैं, देखते हैं क्या क्या लेते हैं आज हम यहाँ से, क्या क्या चीज़ समझ में आती है। लेट्स गो एंड बिगिन माई शॉपिंग, मेरे पगलाने का टाइम आ गया अब। तो अभी भैया हुआ कुछ ऐसा कि फ़ोन से जो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, तो इसके लिए तो माइक नहीं मिल पाया। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये माइक जो है वो फ़ोन में कनेक्ट नहीं होगा, फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा, कैमरे के लिए मैंने बताया, लेकिन फ़ोन में कैसे कनेक्ट होगा उसका एक तरीका है। जैसे मेरे पास ओप्पो रेनो 7 प्रो है जो कि मैंने व्लॉगिंग के लिए लिया था फ़ोन, तो उसमें ये ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा, उसके लिए एक सेटिंग करनी पड़ती है। वो सेटिंग क्या है वो मैं आपको इस व्लॉग के एंड में बताऊंगा, इसलिए इस व्लॉग को बिल्कुल एंड देखिएगा, क्योंकि वो अगर सेटिंग आप नहीं करेंगे तो आपके फ़ोन में नहीं चल पाएगा भैया। अब व्लॉग आप मैक्सिमम लोग फ़ोन से करते हैं तो वो देखना बहुत ज़रूरी है, स्टे ट्यून्ड और आगे देखिए व्लॉग। अब क्योंकि वो जो माइक हमने करा, क्योंकि मैं बताया था मैंने आपको कि मैं बहुत ट्रस्टेड मेरी दुकान है ये, तो मैंने माइक लिया, अभी मैंने परचेज़ कर लिया वो, लेकिन वो मेरे फ़ोन में सपोर्ट नहीं करा। सैमसंग में सपोर्ट कर रहा था, लेकिन मेरा जो ओप्पो रेनो 7 प्रो है उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो भैया ने वो वापस ले लिया, कह रहे हैं कोई बात नहीं खुल गया है, सील इसकी पैक नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं मैं वापस ले लेता हूँ, इज़ वेरी स्वीट, और इसीलिए मैं आता हूँ यहाँ पे। लेकिन मैंने दूसरा माइक लिया है जो कि मैं अगर ब्लॉगिंग करूँगा, मैं कोशिश करूँगा ब्लॉगिंग अब अपने DSLR से भी, जो मेरे पास कैनन 200D है उससे भी शुरू करूँ, और मेरे कई जो वीडियोज़ में बनाते रहता हूँ तो मैं उसी से बनाता हूँ, एड फिल्म मैंने अपनी ज़्यादातर एड फिल्म उसी से शूट करी हैं, तो उसके लिए मैंने एक माइक लिया है जो डबल माइक है, मतलब एक उसमें रिसीवर है और दो ट्रांसमीटर है, मतलब वो दो लोग के लग जाएगा, अगर दो मेरे एड फिल्म से कैरेक्टर भी हैं तो दोनों के लग जाएगा, या मैं इंटरव्यू को ले रहा हूँ तो उसमें भी लग जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जो भैया ने शूट करा था अभी, क्योंकि उनका भी यूट्यूब चैनल है उसके लिए शूट करा था, तो वो देखिए आप। और तब तक मैं पहुंच रहा हूं मैकडॉनल्ड्स कुछ खाने के लिए। और हेलो फ्रेंड्स, आज आए हमारे पास ये भैया ब्लॉगर हैं और ये भी पूरी ब्लॉगिंग करते हैं, तो ये मेरे पास माइक लेने आए, तो भैया बताओ अपने बारे में थोड़ा। हाँ जी, तो मेरा चैनल का नाम जो है वो फनकार फराज चैनल का नाम है, और मैं गुड़गांव रहता हूँ, 102।
और मैंने अपने ब्लॉग में जो आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है कि कैसे गुड़गांव से जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अभी तो गुड़गांव आ गया हूँ, पहले जब मैं भिवाड़ी भी रहता था अभी मैं मोहित भैया के पास ही आता था, सिटी एंट्रेंस में आता था लेने के लिए। सबसे मैं आता इसलिए हूँ क्योंकि बहुत मुझे ट्रस्ट है यहाँ पे और बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, लेकिन जिसके ऊपर ट्रस्ट होता है आपको स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक के मामले में आप वहीं आते हैं। तो मैं सिटी इंसेंस में हमेशा इसीलिए आता हूँ क्योंकि बहुत ट्रस्ट है और भैया बहुत अच्छी चीज़ और परफेक्ट चीज़ मुझे दिखाते हैं। तो आप जो लोग इनके सब्सक्राइबर्स हैं मुझे भी सब्सक्राइब करिएगा, मेरे जो सब्सक्राइबर मैं ये वीडियो लेके अपने में भी डाल दूंगा तो भैया को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी अगर कैमरे की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे आपको मिल सकती है। थैंक यू। और आपको जो भी गोडॉक्स का प्रोडक्ट ले रहे हो उसमें हमारी शो शॉर्ट वारंटी होती है 1+1 की। तो भैया के साथ भी मैंने यही समझाया, अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आती है और कंपनी इसको नहीं सही करती तो हम उसको हैंड टू हैंड रिप्लेस करके देंगे। तो आपको गोडॉक्स का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमारे पास आओ और पूरी शो शॉर्ट गारंटी मिलेगी आपको उसके लिए डेफिनेटली। बिल्कुल। ये है यहाँ का गुरुद्वारा, बड़ा खूबसूरत सा। ये पूरा यहाँ का गुरुद्वारा है और पास में ही चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन है। तो अगर आपको आना है यहाँ पे तो चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पे आपको उतरना पड़ेगा और वहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है। ये मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ, पतली पतली गलियों से, खतरनाक भूतहा गलियाँ। मंदिर के अंदर है या मेट्रो स्टेशन भैया? ये मेट्रो की लाइन, ऐसा लग रहा है कुछ फ्री बट रहा है। तो अभी यहाँ से मैंने खा लिया है मैकडॉनल्ड से MG रोड पे, पहले वहाँ नहीं खाया था मैंने, वहाँ मैंने सोचा कि पहले चलो MG रोड पे ही खा लेंगे। तो यहाँ मैंने खा लिया, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं जाऊँगा सेक्टर 14 मार्केट। पान खाने का मन कर रहा है, थोड़ा पान खाएंगे सेक्टर 14 मार्केट से, पान लेंगे थोड़ा और बैठ जाएंगे घर। ठीक है, ओके। दिस इज़ द सेक्टर 14 मार्केट ऑफ गुड़गांव जहाँ मैं आया हूँ स्पेशली पान लेने के लिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त मार्केट है, यहाँ की सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, मतलब सस्ते में भी मिल जाती है, महंगी वाली चीज़ मिल जाती है, खाने की भी सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छी लगती है मुझे मार्केट, ये घर के मेरे बहुत करीब है। और अब यहाँ से लेंगे पान, हमारे चलेंगे बिहार से हैं वो मनोज भाई, बड़ा ज़बरदस्त पान लगाते हैं, उनके पास चलेंगे। सेक्टर 14 मार्केट के ऊपर कभी अलग से ब्लॉग बनाएंगे पूरा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग देख के हमारे मज़ा आया होगा और हम मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन ब्लॉग में। तब तक के लिए चाले हो, कुत्ता चला जा रहा है पैर में हमारे, चाले हो। पान बहुत ज़बरदस्त है। हाँ तो भाई, जो मैंने आपको बताया था कि मैं एंड में एकदम बताऊंगा वो रिवील करूंगा वो चीज़ कि आपके फ़ोन में कैसे कनेक्ट होगा, वो ऐसे है कि सबसे पहले तो देखिए आप जाएंगे अपने, जैसे मेरे पास ओप्पो रेनो 7 प्रो है यानी कि ओप्पो का, या सी टाइप वाला, सी टाइप के एक्सटेंशन वाला कोई भी फ़ोन है उसके लिए मैं बता रहा हूँ ये। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको वो जो OTG वाला होता है, मतलब सी टाइप टू 3.5 mm जैक वाला कनेक्टर होता है वो लगेगा, वो आराम से मिल जाता है कहीं से भी, वो ले लीजिएगा, मेरे पास था पहले से। और दूसरी बात आपको जो है वो ये करनी है, सेटिंग्स में जाइए आप, ठीक है, सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद फिर आपको साउंड्स एंड वाइब्रेशन में जाना है। साउंड्स एंड वाइब्रेशन में जाके आपको जाना है एडवांस सेटिंग्स में। एडवांस सेटिंग्स में आपको डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर मिलेगा, ठीक है, उसमें दो ऑप्शन होंगे, एक ऑटो सेलेक्ट वाला होगा, एक ऐड ऑन वाला होगा। तो ऑटो सेलेक्ट पे लगा होगा, उसको आपको ऐड ऑन पे कर लेना है। जैसे ही आप ऐड ऑन पे उसको करेंगे, वल्लाह आपको आपका माइक कनेक्ट होता हुआ दिखेगा, मतलब आप जैसे लगाएंगे तो आपको आवाज़ सुनेगी। उससे पहले आप लाख कोशिश कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, मतलब वो नहीं उसको रिकॉर्ड करेगा वो, और परेशान हो जाएंगे आप। मैं भी बहुत परेशान हो चुका हूँ, लेकिन मैंने ये ट्राई करा और ये चीज़ हो गई तो मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैंने सोचा मैं आपको बताऊँ। तो आई होप आपको ये मज़ा आया होगा ये देख के। और माइक ले लीजिए, मुझे मतलब आपको भी, अब वो आप बताइए कि पहले वाली आप व्लॉग में आपने देखी है क्वालिटी और अभी आप वॉइस क्वालिटी देख रहे हैं, तो कितना क्लैरिटी आपके लिए कर रहे हैं भाई, ताकि आपको आवाज़ सही सुनाई दे, हम जो कह रहे हैं, हम जो बकबकाते रहते हैं वो आपको सही से चीज़ सुनाई दें, इसलिए कराया हमने। तो आप बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और इससे भी बेहतर आपके पास अगर कोई माइक हो या आप कोई सजेस्ट करना चाहें मुझे, कितना मैं फंबल कर रहा हूँ, आपके पास अगर कोई माइक हो और आप मुझे सजेस्ट करना चाहें, साफ साफ बोलिए फराज मियां, साफ साफ, तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा, ठीक है। अब ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को, टाले हो।